Hello everyone. Welcome to my class, students. In this session today, I am going to discuss with you about Section 32. Section 32 of Negotiable Instruments Act, 1881, tell us about liability of acceptor or maker. From this session onwards, we are going to discuss what are the major liabilities of different parties under negotiable instruments. जब हम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ते हैं और जो पार्टीज नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट में डील करती हैं अब पार्टीज आप कहोगे तो मैंने ऑलरेडी हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पार्टीज आपके साथ डिस्कस की है जैसे प्रोमिसरी नोट में हमने डिस्कस की थी कौन होता है वहाँ पर मेकर एंड असेप्टर देन नेक्स्ट हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में किया था देर वॉज अ ड्रॉअर एंड ड्रॉई देन अगेन ऑन अ चेक चेक में क्या था द पर्सन हु इज ड्रॉइंग ड्राइ और एक पे ही होता है जिसको पैसा मिलता है तो दीज आर द वेरियस पार्टीज एंड इन टूडेज फर्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे थर्टी टू सेक्शन के बारे में जिसमें सिर्फ लाइबिलिटी किसकी बताई गई है असेप्टर या फिर मेकर की मेकर जो एक्चुअली में प्रोमिजरी नोट को बनाता है या लिखता है और असेप्टर जो उस प्रोमिजरी नोट या बिल्स को एक्सेप्ट करता है दैट आर द डिफरेंट पार्टीज एंड नाउ वी विल सी वट आर देयर लाइबिलिटीज या उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं कल कुछ भी ऐसा गलत होता है या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर डील कर रहे हैं तो वो इस चीज को हमेशा मानकर चलें कि ये लाइबिलिटी उनके सर पर रहेगी ही रहेगी ओके सो लेट्स बिगिन दिस सेक्शन थर्टी टू डियर स्टूडेंट सेक्शन थर्टी टू हमें बताता है दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी मीन्स अगर कोई पार्टीज़ के बीच में ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कोई एग्रीमेंट है जिस पर दोनों एग्री कर रहे हैं और दोनों ने अपने अपने साइन भी कर दिया सपोज़ बी ने भी साइन कर दिया ए ने भी तो इसका मतलब इन दोनों ने अपने बीच में एक एग्रीमेंट ड्रॉ कर लिया है एग्रीमेंट बना लिया है एंड बोथ आर कंसेंटेड टू दैट जो भी उन्होंने उसमें कंडीशन लिखी है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए दोनों रेडी हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा प्रोसीजर फॉलो होगा बट अगर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना है एंड दे आर जस्ट पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देन इन सच एब्सेंस सेक्शन 32 का रोल आता है और सेक्शन 32 क्या कहता है दैट द मेकर ऑफ अ प्रोमिजरी नोट एंड असेप्टर ओके मेकर प्रोमिजरी नोट का कौन होता है मेकर और असेप्टर किस केस में बिफोर मेचोरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ़ एक्सचेंज की जो मेचोरिटी डेट आ रही है उससे पहले उसका असेप्ट दोनों की बात हो रही है मेकर प्रोमिजरी नोट में बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होता है अक्सेप्ट करने वाला आर बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ एट मेच्योरिटी दोनों का ही ये ड्यूटी बनती है लेबिलिटी बनती है कि जिस दिन मेचोरिटी की डेट आई उनको पेमेंट देनी ही देनी है वो इस टाइम से मुकर नहीं सकते पहले हम एक बार प्रोमिजरी नोट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए डियर स्टूडेंट्स क्या था प्रोमिजरी नोट में सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने प्रोमिजरी नोट की मेरा सेशन नहीं देखा है ऑन द टॉप यू सी दैट लिंक गो एंड वॉच वट एग्जैक्टली दिस इज एंड हम किस में इसको इंक्लूड करते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल्स को प्रोमिजरी नोट में इंक्लूड किया गया है और कैसे सिचुएशन को नहीं किया गया आफ्टर देन ऑन द टॉप अगेन यू सी द लिंक जिसमें हमने की है असेंशियल कंडीशंस कि कौन कौन सी कंडीशन प्रोमिजरी नोट के लिए वैलिड है और ये होना बहुत ज़रूरी है अब प्रोमिजरी नोट में मैं जस्ट आपको एक फटाफट एग्जाम्पल दे देती हूँ ए होता है बी ए ने क्रेडिट पर सेल करी बी को तो ए ने कहा कि भैया मेरे को ऐसा है पैसे अभी दे बी ने कहा पैसा अभी नहीं है सर तो मेरे को कुछ लिख कर दे प्रूफ दे तो बी अपनी तरफ से एक प्रो नोट बनाकर दे देता है जिसमें वो अपना नेम मेंशन करता है प्रॉमिस टू पे करता है टू ए ऑन दिस इन दिस डेट और नीचे अपने साइन करता है और ये प्रो नोट बनाकर दे देता है ए को तो जिसने इसमें लिखा है ये सब कुछ जिसने बनाया है उसको हम बोलते हैं मेकर इसलिए यहाँ पर मेकर कौन है बी जिसने पेमेंट करनी है एंड सेम वे हेयर कम्स डियर स्टूडेंट बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज का भी आपको ऊपर सेशन दिया गया है ऑन द लिंक आई बटन को बिल ऑफ एक्सचेंज को सबसे पहले समझिए जिन्होंने भी बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सेशन नहीं देखा है पहले आप ये समझ के आइए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस सेशन से बहुत इंफॉर्मेशन गेन की है एंड दे हैव कमेंडेड मी दैट मैम दैट इज द वेरी नाइस सेशन वेरी इंफॉर्मेटिव तो आप भी इस सेशन को देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्या होता है इसका भी मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ फटाफट ए ने सपोज कीजिए क्रेडिट पर सेल करी किसको बी को और यहां पर बी ने बी के पास अब कैश नहीं है तो वो कह रहा है कि सर मैं अभी तो आपको पैसा नहीं पे कर सकता ए अपनी श्योरिटी के लिए एक खुद से बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेता है जिस पर नाम लिख देता है अमाउंट क्वांट, क्वांटिटी कितनी परचेज करी कितने का बिल बैठा है पूरी अमाउंट और वो बिल बनाकर ए को देता है कि इस पर साइन करके दे और ऐसा इसकी एक कॉपी मैं तुझको दे दूंगा और एक कॉपी रहेगी मेरे पास तो बी को ये बिल एक्सेप्ट करना पड़ता है तो इसमें बी कौन हुआ एक्सेप्टर समझ में आया दोनों केस तो जिसको भी पेमेंट करनी है प्रोमिजरी नोट में उसको हम बोलते हैं मेकर और बिल ऑफ एक्सचेंज केस में जिसको पेमेंट करनी होती है उसको हम बोलते हैं असेप्टर इसलिए इन दोनों की लाइबिलिटी सेम है एंड दैट्स वाई सेक्शन थर्टी इन दोनों को कवर करता है ऑल राइट right, तो अभी सिंपल क्या बोला गया कि जो मेकर है और जो असेप्टर है उनका टाइम पीरियड मेच्योरिटी डेट जो इतनी भी लिखी गई जैसे मैं आपका पेमेंट थ्री मही थ्री मंथ्स बाद कर दूंगा मैं आपका पेमेंट फिफ्टीन डेज आफ्टर कर दूंगा तो जो वो टाइम पीरियड आएगा वहां पर आपको पेमेंट करनी ही होगी According to the apron tenor, apron tenor means whatever written on the instrument. जो भी instrument में time period लिखा गया है written है उसी के according payment करनी होती है तब आपकी liability arise होती है respectively. And the acceptor of bill of exchange को कब करनी होती है जैसी maturity का time आया he is bound to pay the amount thereof to the holder on demand. जो उसका holder है जैसे A जब इस दिन भी B को कहेगा मेरा पैसा ला तेरा टाइम पूरा हो गया बी को पैसा देना ही पड़ेगा दिस इज़ देयर केस ऑफ लाइबिलिटी नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट दिस सेक्शन थर्टी टू कन्फर्ट लिसन इट केयरफुली दैट इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट अगर दोनों ही मेकर भी और असेप्टर भी टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं उनका टाइम पीरियड आ गया है सपोज अर डिमांड पर टाइम पैसे नहीं पे कर रहा है एज अ फोर सेड देन सच मेकर या इज बाउंड टू कंपनसेट एनी पार्टी टू द नोट और बिल फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट इज सस्टेन बाय हिम एंड कोज बाय सच डिफॉल्ट तो वो दोनों जिम्मेदार होंगे जो भी लॉस दूसरी पार्टी को हो रहा है उनकी वजह से जैसा भी नुकसान हो रहा है उनका पैसा डूब रहा है इंटरेस्ट जा रहा है या उनको लेटर और उन इस पैसे से कुछ करना था उस इनकी गलती की वजह से इनकी लापरवाही की वजह से इनकी डिफॉल्ट की वजह से अदर पार्टी विच इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस दे हैव टू बी लाइबल टू देम हैव टू मेक देम ऑल द लॉस ओके नेक्स्ट सेक्शन थर्टी टू फर्दर अस अबाउट दैट द प्रोविजन इन दैट क्या कहता है हमें सेक्शन थर्टी टू का प्रोविजन कि जो लाइबिलिटी होती है अक्सेप्टर की इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में और मेकर की इन केस ऑफ प्रोमिजरी नोट में सेम दोनों की सेम है देखिए टाइम माने पर दोनों को पेमेंट करनी है एंड दैट्स वाई हमने इन दोनों को किस में इंक्लूड किया सेक्शन थर्टी टू में तो दे आर लाइबल टू पे द इंस्ट्रूमेंट ऑन इट्स मेच्योरिटी मतलब दोनों को क्या बोला गया है क्रक्स क्या निकलता है सेक्शन थर्टी टू का कि मेच्योरिटी होने पर टाइम पीरियड आने पर उनको पेमेंट करनी है वो लाइबल हो जाएंगे एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू ए प्रिंट एनॉर ए प्रिंट एनॉर वगेन आई एम सेंगो लिखा हुआ है वट एवर इज मैंशन सो इन डिफॉल्ट अगर डिफॉल्ट होता है दे बिकम लाइबल टू कंपनसेट वो दूसरी पार्टी को सिर्फ पैसे देने के हकदार नहीं रहेंगे वो तो देना ही देना है उनकी वजह से जो भी लॉस दूसरी पार्टी को हुआ है व्हाटएवर लॉस दे हैव सफ़र्ड बाय देयर डिसऑनर दे हैव टू कंपनसेट दैट आल्सो दे हैव टू मेक द लॉस गुड लॉस टू देम राइट सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड आवर सेक्शन 32 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वेयर आई inform you about what will be the liability of maker and acceptor I hope you listened it carefully if you have any doubt any queries you can mail us if any student want to inquire about our notes classes my personal notes I have already prepared so you can give us your order on this number you can follow us on Instagram telegram thanks for